हाँ बच्चों, लास्ट टाइम हम लोग एक IIT का क्वेश्चन किए थे। आज भी मैं आपको पिछले क्लास में जो कराया था वो ज़्यादा ट्विस्ट वाले क्वेश्चन तो नहीं थे, लेकिन हाँ एग्जाम वाले क्वेश्चन थे, तो ज़्यादा नहीं घुमाए जा रहे थे। आज मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा उनमें थोड़ा सा आपको घूमना पड़ेगा, ठीक है? और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन रहेंगे, बिल्कुल मतलब आसानी से चीज़ें आपको नहीं समझ में आने वाली है, ये बात याद रखना। तो समझने का प्रयास करो अच्छे तरीके से, ऐसे क्वेश्चन में आदत आपको बन जाएगा एक बार तो बढ़िया टाइप से होगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगा। क्वेश्चन ये है, देखिए भैया कि 5 इंडियन, 5 क्या है इंडियन एंड 5 अमेरिकन कपल, 5 इंडियन कपल हैं, 5 अमेरिकन कपल हैं, 5 भारतीय पति पत्नियों का जोड़ा है और 5 अमेरिकन पति पत्नियों का जोड़ा है। 5 इंडियन एंड 5 अमेरिकन कपल मीट्स एट अ पार्टी, एक पार्टी में मिल गए एंड शेक्स हैंड, वो सब एक दूसरे से हाथ मिलाना शुरू कर दिए एंड शेक्स हैंड्स। इफ नो वाइफ शेक हैंड्स विथ हर ओन हस्बैंड, पत्नी अपने पति के साथ हाथ नहीं मिलाएगी। कंडीशन ये है कि पत्नी अपने पति के साथ हाथ नहीं मिलाएगी एंड नो इंडियन वाइफ शेक्स हैंड विथ मेल, और भारतीय नारी जो इंडियन मेल हैं, जो इंडियन वाइफ हैं, भारतीय नारी हैं, वो कोई पुरुष से हाथ नहीं मिलाएंगी। क्लियर हो? हाँ सर। एंड नो इंडियन वाइफ शेक्स हैंड्स विथ क्या मेल, भारतीय नारी किसी से हाथ नहीं मिलाती भाई, मिलाते हैं ना सर, है ना, हैंड विथ मेल। नो इंडियन वाइफ शेक्स हैंड विथ मेल देन नंबर ऑफ हैंड शेक्स टेक्स प्लेस, कितने बार हाथ मिले होंगे बताइए। क्वेश्चन सुन लो, 5 अमेरिकन कपल हैं, 5 इंडियन कपल हैं, 5 इंडियन कपल हैं, 5 अमेरिकन कपल हैं, उनके बीच में वो लोग पार्टी में मिले, पार्टी में मिले तो सब एक दूसरे से हाथ मिलाने वाला प्रथा था, सही है? आजकल तो कोरोना वायरस आ गया तो हाथ मिलाने वाला प्रथा खत्म हो चुका है। हाँ सर, तो हाथ मिलाने वाली प्रथा थी तो हाथ मिला रहे थे सब एक दूसरे से, ठीक है, है ना, तो हाथ मिलाया जाता था पहले, आजकल नहीं मिलाया जाता है, तो हाथ मिला रहे थे। हाँ सर आगे बताओ। तो बोला गया कि कोई भी पत्नियाँ, कोई भी वाइफ अपने हस्बैंड से हाथ नहीं मिलाएगी, पहली बात, और कोई भी इंडियन वाइफ मेल से हाथ नहीं मिलाएगी, पुरुष लोगों से हाथ नहीं मिलाएगी, तो बताइए कितने बार हाथ मिला होगा, ये पूछना चाहा। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को, जिन बच्चों को समझ आया क्वेश्चन स्क्रीन पॉज करें, अगर बने तो बनाएं आप, उसके बाद आप मेरे साथ आएं, ठीक है? हाँ सर, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। पहले सोचते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। मेल मेल हाथ मिलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, मेल मेल आपस में हाथ मिला लिया कोई तकलीफ नहीं सर, फीमेल फीमेल हाथ मिला लिया आपस में कोई तकलीफ नहीं सर, मेल फीमेल मिलाए तो तकलीफ, तकलीफ है सर, सारा मेल सारे फीमेल के साथ हाथ नहीं मिला सकते, किसके साथ नहीं मिला सकते, इंडियन फीमेल के साथ। सुन लो, तो इसमें सुन लो भैया, टोटल पहले ये बता दो टोटल मेल कितने हैं, टोटल मेल तो क्या है 10 हैं, और टोटल फीमेल कितने हैं, टोटल फीमेल कितने हैं, ये भी 10 हैं। कोई ऐसा तो गधा नहीं है जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि सर ये तो 5-5 10 ही हैं। अरे कपल का मतलब 5 है ना, पति हैं 5 उनकी पत्नियां हैं, यहाँ भी 5 पति हैं 5 पत्नियां हैं, 5 हस्बैंड हैं 5 वाइफ है, यहाँ भी 5 हस्बैंड हैं 5 वाइफ है, कपल का मतलब ये हुआ, ठीक है? हाँ सर ये सब जानते हैं सर, कुछ गधे लो आइटम होंगे जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा उनके लिए। टोटल मेल हो गया क्या 10, टोटल फीमेल क्या 10, दिक्कत नहीं सर। पहली बात, क्या एम मतलब क्या, मेल मेल हाथ मिलाएंगे कोई तकलीफ होगा क्या, मेल मेल का हाथ मिले तो कोई दिक्कत नहीं सर, कोई कंडीशन है, कोई मेल किसी के साथ हाथ मिला सकता है ऐसा तो बोला गया ना, मेल के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, सही है? तो टोटल हैंडशेक है ना, यहाँ पे हैंडशेक कितने हो जाएंगे, यहाँ पे हैंडशेक जो हो जाएगा वो क्या जाएगा, हाथ मिलाने के लिए 10 में से 2 लोगों की जरूरत पड़ेगी एट ए टाइम कितने लोग हाथ मिलाने के लिए, कितने लोग की जरूरत पड़ती है, 2 लोगों, तो 10 में से कोई 2 को चुन लो हाथ मिल जाएगा। हाँ सर, और 10C2 की वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 45, ठीक है? दूसरा, क्या फीमेल फीमेल FF मतलब क्या, फीमेल फीमेल हाथ मिला सकती है, हाँ सर फीमेल फीमेल, ये हैंडशेक कितना हो जाएगा यार, फीमेल फीमेल के बीच में कोई कंडीशन नहीं है, महिलाएं एक दूसरे से हाथ मिला सकती हैं कोई दिक्कत, लेडी लेडी हाथ मिला सकती हैं कोई दिक्कत नहीं सर, तो ये हो जाएगा 10C2, ये भी क्या हो जाएगा 45। तकलीफ ये है कि जितने भी लेडी हैं वो सब हाथ नहीं मिलाएगी, मतलब इंडियन लेडी तो हाथ नहीं मिलाएंगे, अमेरिकन लेडी हाथ मिलाएगी किससे, जेंट्स लोग से, क्लियर हो? तो 5 अमेरिकन लेडी एंड क्या मेल का जो हैंडशेक हुआ उसको लिखा जाए। सुन लो भैया, अब इसका क्या तरीका होगा, अमेरिकन लेडीज कितने हैं 5 और मेल कितने हैं टोटल 10,
अमेरिकन लेडीज तो किसी के साथ हाथ मिला सकती है ना, बस उनके साथ क्या रिस्ट्रिक्शन है, वो अपने पतिदेव से हाथ नहीं मिलाएगी, बस ये रिस्ट्रिक्शन है। तो पांच में से कोई भी एक अमेरिकन लेडी चुन लिया, मान लो पांच में से एक अमेरिकन लेडी राधा नाम की आ गई, राधा तो नहीं होती सर अमेरिका में, मान लो पांच में से कोई एक राधा को उठा लिया, ये राधा तू आ जा, आई छमक छल्लो करते हुए। अब राधा बोली मैं आ गया, मैं खड़ी हूँ सर, मुझे हाथ मिलवाओ किसी से, वो खड़ी है ऐसे करके। तो राधा देखेगी किसको देखेगी, महिलाओं को, नहीं महिलाओं को देख चुकी है वो पहले ही, सही है, 10-2 हो चुका है, मेल 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 का मिलन हो गया है। तो राधा का मिलन किससे करवाना है सर, राधा का मिलन सॉरी फीमेल फीमेल हो चुका है, हाँ उल्टा बोल दिया मैं, राधा का मिलन किससे करवाना है, मेल से, क्योंकि मेल मेल का मिलन हो चुका है, फीमेल फीमेल का मेल मिलन हो चुका है, मिलन किसका नहीं हुआ है, मेल और फीमेल का। तो राधा क्या है, फीमेल, वो मिलेगी किससे, मेल से, सही है, राधा खड़ी है, मुझे हाथ मिलाना है, तो किसके तरफ देखेगी, फीमेल की तरफ तो नहीं देखेगी, क्यों, फीमेल से तो हाथ मिला चुका है ऑलरेडी, वो हो चुका है, मतलब उससे भी मिलाती लेकिन वो हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब राधा ऐसे खड़ी है, उसको हाथ मिलाना किससे, मेल से, तो मेल को देखिए कितने मेल दिखाई दिए उसके आंखों के सामने, 10, क्या 10 से हाथ मिला लेगी, सोचो, नहीं सर, वो अपने हस्बैंड से हाथ नहीं मिलाएगी, राधा मतलब अमेरिकन राधा है ना, इंडियन राधा नहीं, ठीक है ना, हाँ सर। तो पांच में से एक राधा आ गई, तो सामने से कितने लोगों से जाकर हाथ मिलाएगी, 9 लोगों से, 10 में से नहीं मिलाएगी, 10 में उसका हस्बैंड है, अपने हस्बैंड से हाथ नहीं मिलाएगी, इनटू इसको हाथ मिलाने के लिए राधा को 9 में से कोई एक आदमी आ जाए तो हाथ मिलन समारोह हो जाएगा, सही है, हाँ सर। तो 5C1 × 9C1 कितना आ जाएगा भाई, 45, कितना आ जाएगा, 45, सही है। आप टोटल निकाल लीजिए, टोटल क्या आ जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लो बस एक बार समझो चीज़ों को, 45 + 45 + 45 ये आंसर आ जाएगा 135 इज करेक्ट आंसर, देख लीजिए बहुत सारे मॉड्यूल में क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, सही है, हाँ सर, देख लो भैया समझ लो, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए आपको, सही है, हाँ सर। मतलब क्वेश्चनों को तोड़ तोड़ के बनाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, फीलिंग आएगी, है ना, कोई शॉर्टकट अपनाने की आप कोशिश ना करें, ऐसे तरीके अपनाएं पीएमसी में जिससे फीलिंग आनी चाहिए, ठीक है, हाँ सर, लिख लीजिए भैया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं सर, मिटा रहा हूँ भाई, ठीक है, हाँ सर, बस क्वेश्चन का लाइन लंबा था, बाकी क्वेश्चन कोई जान नहीं था, मैं पहले ही बोल चुका हूँ पीएमसी में कुछ ऐसा नहीं कि इंटीग्रेशन आ जाएगा, ऐसा नहीं कि इसमें डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा, सही है, पीएमसी में बस लॉजिक लगाना है आपको, सोचना है अच्छे तरीके से, और बाकी वही एनसीआर के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आएंगे, सही है, हाँ सर, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, आज अभी एकाध दो लेक्चर तो ना, दो लेक्चर मान के चलो कि हम लोग क्वेश्चन क्वेश्चन ही करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन क्वेश्चन ही खेलेंगे, ठीक है। देखो मेरा काम है आपको ढंग से चीज़ों को क्लियर करवाना, नंबर्स ऑफ लेक्चर्स कितने जा रहे हैं पीएमसी पे इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं कि सर नंबर ऑफ लेक्चर्स बहुत हो गए पीएमसी, देखो मेरा काम है आपको बहुत आया क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाना, मैं चैप्टर में ज़्यादा फालतू बातें नहीं कर रहा हूं, मैं क्वेश्चन पे ज़्यादा टारगेट कर रहा हूं, ठीक है। अब उसके लिए लेक्चर्स कितने बढ़ जाएं, किताब के बराबर भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको नंबर ऑफ कंटेंट ज़्यादा मिल रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है, सही है। तो आपको नंबर ऑफ कंटेंट पे ध्यान देना, ये नहीं कि सर पीएमसी का कितना लेक्चर है, सर इतना लेक्चर कैसे पढ़ पाऊंगा, है ना, सर आप तो बाइनोमियल का 25-26 लेक्चर बना दियो, कैसे पढ़ पाऊँ, भैया आप देखो सारी वैरायटियां कवर है उसमें, ठीक है, कुछ भी छोड़ने की कोशिश नहीं किया गया, जैसे तुम लोग एक दूसरे के पास खड़े हो जाते हैं ना, हवा पान देते रहते, हमारा मास्टर ये पढ़ाया, उसका मास्टर ये पढ़ाया, आप देख लीजिए ये मास्टर क्या पढ़ाया, ठीक है, सारे कंटेंट कवर किए गए हैं लगभग, कुछ भी नहीं छोड़ा गया है, ठीक है, हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, 6 कपल हैं, देयर आर 6 कपल, क्वेश्चन को मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, देयर आर कितने कपल्स, 6 कपल्स, सही है, कितने कपल्स हैं भाई, 6 कपल्स हैं, ठीक है, 4 आर सिलेक्टेड, कपल नहीं सिलेक्ट किए जाने, 4 आदमी, 4 आदमी को, 4 आर क्या सिलेक्टेड, सही है, 6 कपल में से 4 को सिलेक्ट किया जा रहा है, 4 कपल को नहीं, पहले बात बोल दिया, 4 रैंडम लोगों को, ठीक है, 6 कपल मतलब 12 लोग हैं, 12 लोगों में से 4 लोगों का सिलेक्शन किया जा रहा है, ये बोला जा रहा है, 4 आर क्या सिलेक्टेड, ठीक है, फाइंड टोटल वेज, कुल तरीके बताने हैं, फाइंड टोटल वेज व्हेन, दो क्वेश्चन है, दोनों को लिख लेते हैं, इसी में दो क्वेश्चन है, व्हेन, ठीक है, क्वेश्चन ये है, देयर आर एग्जैक्टली 2 कपल्स, पहला क्वेश्चन ये है, एग्जैक्टली 2 कपल्स, मतलब सिलेक्शन में एग्जैक्टली कितने कपल्स हो, 2 कपल्स हो, दूसरा क्वेश्चन क्या है, एग्जैक्टली 1 कपल्स, सही है, पहले क्वेश्चन को कारीगरी नहीं है यार, 2 कपल हैं, 2 कपल मतलब 4 लोग यही होंगे, 2 कपल मतलब क्या, 4 लोग होंगे ना, पति पत्नी, पति पत्नी, ठीक है, हाँ सर, सुन लो भैया ध्यान से समझना,
ये मान लो ए नाम का आदमी है, ये उसकी धर्मपत्नी है, सही है? हाँ सर। ये भी मान लो ए बी नाम का आदमी है, ये उसकी धर्मपत्नी है, बाल वाली है। हाँ सर। ये भी मान लो ये ए नाम का आदमी है, ये उसकी धर्मपत्नी है, ठीक है? हाँ सर। ये भी देख लो भाई, ये भी सी नाम का आदमी है, डी नाम का आदमी है, उसकी धर्मपत्नी है। ये भी कोई आलतू फालतू नाम का आदमी है, ये उसकी धर्मपत्नी है। ये भी कोई अक्कड़ बक्कड़ नाम का आदमी है, ये उसकी धर्मपत्नी है। क्या छः कपल हैं? हाँ सर। छः कपल मतलब कितने लोग? 12 लोग। पहले क्वेश्चन में बोला गया है एग्जैक्टली 2 कपल्स। एग्जैक्टली क्या? 2 कपल्स, सही है। पहला क्वेश्चन क्या है एग्जैक्टली क्या? 2 कपल्स ना। हाँ सर, ध्यान देना भैया, क्या दिक्कत है? एग्जैक्टली कितना कपल्स? 2 कपल्स, सही है। हाँ सर। तो एग्जैक्टली 2 कपल्स में क्या कारीगरी है यार? ये 6 डब्बे में से कोई 2 डब्बा उठा लो, कोई भी 2 डब्बा। ये दोनों डब्बा उठा लिया, दोनों कपल का ही आएगा। ये दोनों डब्बा उठा लो, 6 में से कोई भी डब्बा को उठा लो, तो डब्बा उठाओगे हर एक डब्बा में क्या है? कपल ही तो है। हाँ सर। तो क्या आ जाएगा? 6c2 यानी 6 × 5/2 = 15, सही है। दूसरा क्वेश्चन एग्जैक्टली 1 कपल। दूसरा क्वेश्चन क्या है? एग्जैक्टली 1 कपल। एग्जैक्टली क्या? 1 कपल, क्लियर हो? हाँ सर, सही है। एग्जैक्टली 1 कपल। एग्जैक्टली 1 कपल सर? हाँ सर। चलिए, एग्जैक्टली 1 कपल आएगा, बोला गया है एग्जैक्टली 1 कपल हो, 1 कपल से ज्यादा ना हो, 1 कपल से ज्यादा ना हो। तो मान लो कि 1 कपल आ गया, 1 क्या आ गया? कपल आ गया, 1 कपल, और 4 लोग को चुनना है ना यार, प्लस 2 रैंडम कोई रहेंगे, रैंडम में वो कपल नहीं आना चाहिए भैया, सही है। 2 रैंडम, वो रैंडम महिलाएं भी हो सकती हैं दोनों, या दोनों पुरुष भी हो सकती हैं, या एक महिला एक पुरुष भी हो सकती है, क्लियर हो? हाँ सर। अब ध्यान देना, एक कपल है ना यार, एक क्या है? कपल है। क्या लिखोगे? देख लो, इसको पहले केस तोड़कर आप समझ सकते हो, ऐसे एक कपल, ऐसे समझो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, सही है। मैं चाहता तो डायरेक्ट आंसर लिख सकता था, एक कपल और 2 क्या बोल सकते हो? लेडीज। 4 लोग हो गए। हाँ सर, एक कपल में तो 2 होंगे ना यार। अच्छा, या फिर क्या, एक कपल ऐसे समझो तोड़ोगे और 2 क्या जेंट्स बोल सकते हो, सही है। हाँ सर। या एक कपल और क्या, एक लेडीज और क्या एक जेंट्स, यही ना? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। तो पहले वाले में देख लो, सही है। देखो भैया, देख लो यहाँ, इसमें एक कपल और क्या है? 2 लेडीज है, 2 क्या है? लेडीज है। इसके लिए कितना आ जाएगा टोटल पे, ध्यान देना। एक कपल है भाई, 6 कपल का डब्बा है, 6 में से कोई एक कपल उठा लिया, तो 6c1 कपल का डब्बा उठ गया। हाँ, एक डब्बा चल दिया, कोई एक डब्बा भाग गया। हाँ सर, कितने डब्बे बचे कपल वाले? 5। 5 मतलब कितने लोग? 10 लोग। 10 लोगों में कितने लेडीज? 5 लेडीज और 5 जेंट्स। 5 लेडीज और क्या? 5 जेंट्स। तो क्या बोला गया है? एक कपल 2 लेडीज, तो 5 में से कोई 2 लेडी उठा लो, 5c2 लेडी तो 5 ही बचेगी ना। हाँ सर। अब क्या, अब तो भाई अब कपल थोड़ी चुनना है, 6 में से एक कपल चुन लिया, कपल हट गया, अब 10 लोग बच गए, 10 में 5 लेडी 5 जेंट्स हैं, तो लेडी हमें उठाना है, कितने लेडी? 2 लेडी, तो 5c2 लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये कितना आ जाएगा यार? ये आ जाएगा 60 आ जाएगा मेरे ख्याल से, देख लो। दूसरा क्या है, सेकंड आप सोच के बताओ, कपल एक ही रहेगा और 2 जेंट्स, कपल एक ही रहेगा और 2 जेंट्स, 6c1 × 2 जेंट्स, कितने जेंट्स है यार? 5। 5 में से कितने जेंट्स उठा लो? 2 जेंट्स। सर जेंट्स तो 6 थे, 6 में तो एक चला गया ना यार। हाँ सर। तो ये कितना जाएगा? 60। तीसरा क्या है, एक कपल और 1 लेडी, एलईडी मतलब लेडी और 1 जेंट्स, क्लियर हो? हाँ सर। तो क्या आ जाएगा? 6c1 और 1 लेडी, एक लेडी उठा लिया, 5 में से कोई एक लेडी उठा लिया, 5 में से जो भी लेडी आई, सीता गीता वीता कुछ भी नाम की जो भी लेडी आई, 5 में से एक लेडी, क्या उसका पति अब आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? उसका पति आ जाएगा तो कपल तैयार हो जाएगा ना यार। सोचो 5 में से कोई भी एक लेडी आई, आई सीता गीता, सीता है ना, सीता आ गई, सीता का पति कौन है? राम, उन 5ों में, तो क्या राम को आना चाहिए? नहीं सर, राम आ जाएगा तो कपल तैयार हो जाएगा, तब फिर 2 कपल हो जाएंगे ना, एक कपल तो ऑलरेडी ले ही चुके हों, और फिर इसका पति आ जाएगा, ये लेडी का पति आ जाएगा तो कपल बन जाएगा। हाँ सर। तो इंटू क्या लिखोगे?
चार जेंट्स में से कोई एक जेंट्स को लाना पड़ेगा उसके पति को छोड़कर, सही है। तो ये कितना आ जाएगा यार, 6 5 ये आ जाएगा 120, ये कितना आ जाएगा 120। सर जेंट्स को आगे रखते हैं लेडी को पीछे रखते हैं तो कोई कंफ्यूजन होता क्या सर? बहुत बच्चे ऐसा भी सोचते हैं, रख लो भाई कोई दिक्कत नहीं है। तो 5C1 जेंट्स के लिए लगाते हैं इनटू उसकी पत्नी नहीं आएगी, इनटू 4C1 वही बात हुई, बात तो वही हुई, सही है। हाँ सर अब टोटल वे लिख लो, टोटल वेज क्या आ जाएगा, टोटल वेज होगा सर 60 और प्लस 60 प्लस 120 यानी कितना आ जाएगा 240 इज करेक्ट आंसर। देख लो भैया 240 इज करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत नहीं सर। मैं चाहता तो इसको ओरली भी लिख सकता था, कैसे 6C1 जैसे देखो डायरेक्ट लिखता क्या 6C1 इनटू ब्रैकेट देता ऐसे 6C1 इनटू क्या देता, देख लो भैया डायरेक्ट कैसे लिखता मैं, देख लो वो तो हो गया वहां तक। मैं डायरेक्ट क्या लिखता 6C1 इनटू, मुझे पता है एक कपल के साथ दो लेडी दो जेंट्स या एक लेडी एक जेंट्स आ सकते, तो दो लेडी मतलब क्या 5C2 प्लस 5C2, ये 5C2 दो लेडी के लिए दो जेंट्स के लिए प्लस अच्छा पांच में से कोई एक लेडी आ गई इनटू क्या 4C1, ऐसे भी डायरेक्ट कर सकता था, वही बात है देख लो, वही चीज है यार देख लो, ये भी वही चीज है, सही है। मैं चाहता तो डायरेक्ट ऐसे करता, ये किसके लिए है, दो लेडी के लिए है, दो जेंट्स के लिए, एक लेडी और एक जेंट्स है, देख लो भैया कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए आपको, सही है देख लो, सही है। हाँ सर स्क्रीन पॉज कीजिए, लिखिए जल्दी से, मैं मिटा रहा हूँ। हाँ सर थोड़ा थोड़ा टफ तो लग रहा है सर, लग रहा है ऐसा है ना, अब चिंता मत करो, अभी और क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्लियर हो जाओगे, सही है यहाँ तक। हाँ सर ठीक है, हाँ सर। तो अब मैं ऐसे क्वेश्चन को तोड़कर सीधा लिख दिया करूंगा, इतना चौचला करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है हाँ सर, चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है ढंग से बनाइए उसको, तभी ये चैप्टर आसान लगने वाला है, नहीं तो ये ऐसा चैप्टर है कि अच्छों को धंसा देता है, ठीक है सही भैया। हाँ हमारे तरफ से प्रयास रहेगा, मैं जितना नंबर्स ऑफ आपको क्या प्रॉब्लम कवर करवाऊँ ताकि चीज़ें आपको क्या हो आसान लगे, सही है। और आपका काम है प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो PMC काफ़ी टफ लगने वाला, मैं पहले बोल रहा हूँ भाई, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ सर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट लिखेंगे आप फ्रॉम 6 मैरिड कपल है ना, देयर आर नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 कपल्स, कितने कपल्स है भाई 6 कपल्स है, ठीक है। बोला गया फोर पीपल आर सिलेक्टेड, फोर पीपल आर क्या मतलब चार लोगों को क्या कर रहे हो आप सिलेक्ट कर रहे हो, फोर पीपल आर क्या सिलेक्टेड, 6 कपल थे उसमें से कितने को सिलेक्ट किया गया 4 को, टोटल वेज बताना है, टोटल वेज सही है। पहला क्वेश्चन है देख लो, इसमें 4 क्वेश्चन है देख लीजिए, आसान हो जाएगा पीछे वाला समझ गए हो तो। टोटल वेज पहला नंबर है डू नॉट फॉर्म ए कपल, डू नॉट फॉर्म ए कपल, ये कपल ना हो, कपल नहीं बनाए, क्लियर हो सही है। हाँ सर दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है एग्जैक्टली 1 कपल, एग्जैक्टली 1 कपल सही है, ये तो हो चुका है ना यार, एग्जैक्टली 1 कपल वाला ही क्वेश्चन तो था लगता है, हाँ एग्जैक्टली क्या 1 कपल, क्लियर हो। तीसरा क्वेश्चन है एटलीस्ट 1 कपल, एटलीस्ट 1 कपल, कम से कम 1 कपल। चौथा क्वेश्चन है एटमोस्ट 1 कपल, देख लो भैया सही है एटमोस्ट 1 कपल सही है। हाँ सर 6 कपल हैं, 6 कपल में 4 लोगों को चुनना है, कितने लोगों को चुनना है 4 लोगों को, क्लियर हो। जिसमें बोला गया है डू नॉट, पहला क्वेश्चन है डू नॉट फॉर्म ए कपल, दूसरा क्वेश्चन है एग्जैक्टली 1 कपल, तीसरा क्वेश्चन है एटलीस्ट 1 कपल और फोर्थ क्वेश्चन है क्या एटमोस्ट 1 कपल। कपल नहीं बनेगा तो थोड़ा समस्या है, देखो पहला क्वेश्चन
नॉट कपल, कपल नहीं चाहिए। अगर कपल नहीं रहेंगे तो चारों क्या क्या हो सकते हैं? चारों जेंट्स हो सकते हैं। अच्छा, और वो चारों क्या हो सकते हैं? लेडीज भी हो सकती हैं, सही है, क्लियर हो? या फिर क्या, तीन जेंट्स, तीन क्या जेंट्स और क्या एक लेडी, चार हो गए। हाँ, कपल नहीं बनेगा, ठीक है, कपल नहीं बनाना, उसमें कपल नहीं बनाना है आपको, तीन जेंट्स रखना है और एक लेडीज, वो जो पत्नी रहेगी वो किसी और की रहेगी, ठीक है, ये तीनों में से किसी की नहीं रहेगी। तीन जेंट्स एक लेडीज, और क्या सोच सकते हो, टू जेंट्स और क्या टू लेडीज, टू जेंट्स और क्या टू लेडीज, सही है। और क्या होगा, और होगा सर एक जेंट्स और क्या थ्री लेडी, यही पॉसिबिलिटियां हैं, बस देख लीजिए भैया, कपल नहीं चुनने के यही पॉसिबिलिटियां हैं, देख लीजिए कि चारों क्या हो जाएं, जेंट्स हो जाएं, चारों क्या हो जाएं, जेंट्स हो जाएं, चारों क्या हो जाएं, लेडी हो जाएं, तीन जेंट्स हो एक लेडी हो, दो जेंट्स हो दो लेडी हो, सही है, एक जेंट्स हो और तीन लेडीज हो। सर जीरो जेंट्स और चार लेडी हो तो चुका है यहाँ पे, सही है। हाँ सर, ये कितनी पॉसिबिलिटियाँ हैं, पांच पॉसिबिलिटी हैं, एक दो तीन चार और पांच, सही है। हाँ सर, चलिए भैया आप ध्यान देंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सही है, देख लीजिए टोटल वे, टोटल वे। अच्छा, टोटल ये बताओ, छः कपल थे, छः कपल में छः मेल हैं, छः फीमेल या छः जेंट्स हैं, छः लेडी हैं, यही ना। हाँ सर, तो छः में से चार जेंट्स, तो सिक्स सी क्या लिखोगे, फोर, सही है। हाँ सर, और प्लस चार का हो गया सिलेक्शन, काम को करने का दूसरा तरीका, तो प्लस लगाया, सिक्स सी फोर, चार लेडीज, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं किया होगा, एक ही में लिख दे रहा हूँ भैया, पिछला बार सबको अलग अलग करके बनाया था, प्लस सीखिए अब, तीन जेंट्स, कितने जेंट्स, तीन जेंट्स, तीन में से छः में से तीन जेंट्स को चुन लिया, छः में से तीन जेंट्स आ गए, ए बी सी, ए बी सी नाम का जेंट्स आ गया, क्या उनकी पत्नी अब आनी चाहिए? नहीं सर, उनकी पत्नी आएगी तो क्या दिक्कत होगा, कपल बन जाएगा, तो ए बी सी की पत्नियों को हटा दो, ए डैश बी डैश सी डैश उनकी पत्नी है मान लो, सही है। हाँ, तो ए बी सी की पत्नी तो नहीं आएगी, जो तीन आए हैं उनकी पत्नियां तो नहीं आएंगी अभी एक लेडीज में, नहीं सर, तो बाकी जो तीन लेडीज तो और बचेंगी, इनकी पत्नी के अलावा तीन लेडी और है ना। हाँ सर, उन तीनों में से कोई एक ले लो, थ्री सी वन, सही है। प्लस ध्यान देना, दो जेंट्स यानी क्या सिक्स सी टू, ये दो आ गए तो क्या इनकी पत्नियों में से लाओगे किसी को? नहीं, इनकी दोनों पत्नियों को हटा दो, तो कितनी लेडी बच गई, चार, वो चार में से कोई दो आएंगी, सही है। प्लस फिर क्या है, वन जेंट्स और थ्री लेडी, वन जेंट्स मतलब क्या, सिक्स सी वन, जो जेंट्स आए उनकी लेडी पत्नी को भगा दो, तो पांच लेडी बचेगी, पांच में से कितनी लेडी आएंगी भाई, थ्री लेडीज, देख लो भाई कोई दिक्कत नहीं सर। अब सोल्व कर लो, सिक्स सी फोर की वैल्यू कितना देगा, फिफ्टीन प्लस फिफ्टीन, सही है। हाँ सर, और सिक्स सी थ्री की वैल्यू कितना देगा, ट्वेंटी इंटू थ्री यानी सिक्सटी हो जाएगा, सोल्व कर रहा हूँ बस इसको, ये फिफ्टीन और फोर सी टू कितना होता है यार, फोर सी टू होता है सिक्स, है ना, और सिक्स सी टू कितना होता है, फिफ्टीन। हाँ, तो फिफ्टीन इंटू सिक्स क्या जाएगा, नाइन्टी, और ये हो जाएगा यार, ये फाइव सी टू के इक्वल होता है, एंड टेन, टेन सिक्स या सिक्सटी, ऐड कर लो यार, ये थर्टी हो जाएगा, थर्टी और सिक्सटी नाइन्टी, नाइन्टी और नाइन्टी वन एट्टी और सिक्सटी, टू फोर्टी इज करेक्ट आंसर, देख लीजिए भैया, टू फोर्टी इज करेक्ट आंसर, देख लो भाई। दूसरा क्वेश्चन, ये तो अभी अभी किए हैं, दोबारा कर लेते हैं भाई, कुछ लोगों के मन की बात रख लेते हैं। एग्जैक्टली वन कपल, एग्जैक्टली वन कपल, सही है। हाँ सर, तो एग्जैक्टली वन कपल, ध्यान देना मैं सीधा लिख रहा हूँ, देख लो, छः में से कोई एक कपल चुन लिया, इनटू क्या काम हो गया, नहीं सर, इनटू सिक्स सी वन, कोई एक कपल चुन लिया। हाँ सर, तब कितने लोग बच गए, पाँच कपल बचे, मतलब दस लोग, दस लोग बचे, पाँच लेडी और पाँच जेंट्स, तो उसमें से क्या हो जाए, कोई दो क्या आ जाए, लेडी आ जाए, प्लस दो को कोई आ सकता है क्या, जेंट्स, या काम करने का दूसरा तरीका, सही है, यही ना। हाँ सर, या फिर एक लेडी और एक जेंट्स, सही, या फिर एक जेंट्स और एक लेडी, तो फाइव सी वन, मान लो पांच में से कोई एक जेंट्स आया तो उसकी पत्नी नहीं आनी चाहिए, इंटू क्या, फोर सी वन, अभी अभी शायद यही क्वेश्चन किया गया था, अभी अभी यही क्वेश्चन किया गया था भैया, देख लो भैया, इसका भी वैल्यू कितना आ रहा था, टू फोर्टी ही आ रहा था, देख लो पीछे वाला ही क्वेश्चन है, सही है। हाँ सर, तीसरा क्या है, एटलीस्ट वन कपल, एटलीस्ट वन कपल, कम से कम कितना कपल हो, वन कपल, एटलीस्ट वन कपल, इसका मतलब एक कपल है, दो कपल, दो कपल होते चार लोग हो जाएंगे। हाँ सर, इसका मतलब क्या, वन कपल
और क्या, टू कपल, यही ना? हाँ सर, तो एग्जैक्टली एक कपल के लिए कितना आंसर आया है? 240 आया है? हाँ सर, 240, ठीक है, हाँ सर, प्लस टू कपल, तो 6 में से कोई दो चुन लो जो पिछला वाला क्वेश्चन किए थे, सही है, तो 240 और प्लस 15 कितना आ जाएगा? 255, देख लो भैया, देख लो, कोई दिक्कत नहीं सर, क्या बोला गया है? ये थर्ड है ना, ये वाला है, एटलीस्ट वन कपल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, फोर्थ नंबर क्या है? एटमोस्ट वन कपल, उसको इधर बना दे रहा हूँ, एटमोस्ट वन कपल, देख लो, फोर्थ को यहाँ बना दे रहा हूँ, एटमोस्ट वन कपल, एटमोस्ट वन कपल का मतलब क्या? एक कपल हो या फिर कपल नहीं हो, वन कपल और प्लस क्या? नो कपल, मतलब तो यही निकला ना? हाँ सर, तो वन कपल के लिए कितने आए हैं टोटल तरीके? 240, और नो कपल के लिए भी हम निकाल चुके हो यहाँ पे, हाँ सर, ये भी कितना है? 240 है, तो 240 प्लस 240 कितना जाएगा? 480, देख लो भैया, खत्म मामला, देख लो, देख लीजिए, मामला खत्म हो चुका है, देख लो, स्क्रीन पॉज करो, जल्दी से लिखो भाई, फटाक से मिटा रहा हूँ, ठीक है, हाँ सर, मिटा रहा हूँ भैया, यहाँ तो कोई समस्या, समस्या तो बहुत है सर, लेकिन आपको क्या बताएं, है ना, आज सही बोले थे आप कि समस्याएं बहुत आएंगी, अच्छे से पढ़िए, कोई समस्या नहीं जाएगा, क्वेश्चन उतने भी टफ नहीं है जितना आप सोच रहे हो, ठीक है, आप कर सकते हो अगर एक बार चीज़ों को समझ लोगे तो, और हड़बड़ाओगे तब तो दिक्कत है यार, भारी दिक्कत, बहुत ज़्यादा दिक्कत, हड़बड़ाओगे, सही है, हाँ सर, यहाँ तो कोई समस्या, समस्या बहुत है सर, क्या बोले आपको, आप समझ ही नहीं रहे हो हमारी समस्याओं को, क्वेश्चन क्वेश्चन करवा, कुछ आसान करवाओ ना सर, मजा आ जाए, है ना, ऐसा वाला एटलीस्ट टू बॉयज, एटलीस्ट थ्री गर्ल्स, ऐसा वाला करो ना सर, नंबर ऑफ ट्राइंगल, 5 पॉइंट थे, 5 में कितने ट्राइंगल बना सकते हो, 5 पॉइंट से 5 से 3, ऐसा वाला करवाओ ना सर, बढ़िया लगता था, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, हाँ सर, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट है, रैक हैच, एक रैक है, रैक जानते हो ना जिसमें सामान रखते हो, रैक हैच, सही है, ए रैक हैच 5 डिफरेंट पेयर ऑफ शूज, 5 डिफरेंट पेयर ऑफ शूज, सही है, 5 डिफरेंट पेयर ऑफ क्या? शूज, द नंबर ऑफ वेज इन विच, है ना, 4 शूज आर सिलेक्टेड, 4 शूज आर क्या? सिलेक्टेड, 4 जूतों को सिलेक्ट किया गया है, 4 जूतों को क्या किया गया है? सिलेक्ट किया गया है, वैसे ही जैसे भैया 5 कपल हैं, 5 कपल में से 4 लोग को चुने हो आप, ठीक है, सिलेक्टेड, सो दैट देयर विल बी नो कंप्लीट केयर पेयर, सो दैट देयर विल बी नो कंप्लीट पेयर, फाइंड टोटल वेज, देखो यार लेक्चर बढ़े उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है, मेन है आपके सामने अच्छे अच्छे क्वेश्चन होने चाहिए और समझ आना चाहिए आपको, रैक हैज 5 डिफरेंट पेयर ऑफ शूज, 4 शूज आर सिलेक्टेड, 4 कोई रैंडम जूते उठा लिए गए, पेयर नहीं उठाए गए, 4 जूते उठाए गए हैं, वैसे ही बात, 5 कपल थे, 5 में 4 को चुना गया था, ठीक है, सो दैट देयर विल नो कंप्लीट पेयर, फाइंड टोटल वेज, मतलब वही बात है, 5 कपल हैं, 5 कपल में से 4 लोगों को उठाए हो, बताओ कि कितने तरीके होंगे ताकि क्या बोला गया है, कितने तरीके हो ताकि क्या हो, कंप्लीट पेयर ना हो, सही है, हाँ सर, चलो देख लो, ये लेफ्ट पैर वाला है और ये राइट पैर वाला है, लेफ्ट पैर वाले 5 जूते होंगे, राइट पैर वाले 5 जूते होंगे, यहां तक देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, सही है, कितने जूते सिलेक्ट करने हैं भाई, कितने जूते सिलेक्ट करने हैं सर, हमें जूते तो सिलेक्ट करने हैं 4 सर, कितने सिलेक्ट करने हैं 4, लेकिन कोई कंप्लीट पेयर ना बनाए, लेकिन कोई कंप्लीट पेयर ना बनाए, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होती हो सकती है, चारों लेफ्ट वाला आ जाएगा तो क्या पेयर बनेगा, नहीं सर, क्या चारों राइट वाला आ जाएगा तो पेयर बनेगा, नहीं सर,
समझ रहे हो बात को? क्या क्या हो सकता है? सुन लो भैया, पॉसिबिलिटी सुन लो, देखना ध्यान से, उधर उधर लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है? चारों लेफ्ट वाले हो जाएं, चारों लेफ्ट वाले जूते प्लस, या फिर क्या, चारों राइट वाले हो जाएं। सही है, हाँ प्लस, कपल वाला ही क्वेश्चन है। तीन लेफ्ट हो, तीन क्या हो, लेफ्ट हो, एक क्या हो, राइट हो। सही है, हाँ प्लस, दो लेफ्ट हो और क्या, दो राइट हो। सही है प्लस, सही है, वन लेफ्ट हो और थ्री राइट हो, वन लेफ्ट हो और क्या, थ्री राइट हो। देखो और कोई पॉसिबिलिटी होगा? मेरे ख्याल से और नहीं होगा। देख लो भैया, देख लीजिए, चार लेफ्ट है, चार बाएं वाले हैं, चार दाएं वाले हैं, तीन लेफ्ट है, वन राइट है, दो लेफ्ट है, दो राइट है, एक लेफ्ट है और तीन राइट है। देख लो यही पॉसिबिलिटी हो सकता है ना? हाँ सर। चल देखो, मैं टोटल वेज लिख रहा हूँ सीधा। अब आइए आप मेरे साथ रहिए। टोटल वेज सही है। लेफ्ट वाले कितने जूते हैं? पाँच। पाँच में से कोई चार चुन लिया, 5C4। राइट वाले कितने? प्लस 5C4 हो गया, प्लस तीन लेफ्ट, तीन में से लेफ्ट 5C3। जो तीनों आया लेफ्ट वाला, क्या उसका जोड़ी आना चाहिए? नहीं। मान लो कि ये मेल है या फीमेल, मान लो लेफ्ट को, तो पांच में से जो तीनों पत्नियां आई, क्या उसका पति आना चाहिए? समझो ना। नहीं सर। तो पांच में से तीन तो पति लोग आ गए, या तीन लेफ्ट वाले आ गए, तो उनके पति लोग को हटा दो। तब कितने थे यार, टोटल थे कितने? पांच थे। पांच में से तीन लोग हट गए, तब दो लोग बचे ना। दो ऐसे बचेंगे राइट वाले पेयर, जिनका पेयर इससे नहीं बनने वाला, ठीक है, राइट वाले। तो दो में से कोई एक उठा लो, 2C1। सही है, हाँ। फिर क्या लिखोगे? दो लेफ्ट है ना, तो 5C2 इनके पैर वालों को हटा दो, तो कितना बचेगा? तीन। तो थ्री में से कितना? 2, 3C2। सही है, प्लस वन लेफ्ट, यानी क्या, 5C1। एक आ गया, एक लेफ्ट वाला आ गया, उसका सामने वाला जोड़ा हटा दो, चार बच जाएगा, इंटू क्या, 4C3। देख लो भैया, देख लीजिए, ठीक है, देख लो, मिला लो भैया, 5C4 प्लस 5C4 प्लस 5C3 इंटू 2C1 आ रहा है, प्लस फिर कितना आ रहा है, 5C2 इंटू 3C1, 5C2 इंटू 3C2, हाँ, और फिर क्या है, 5C1 इंटू 4C3। सही है, देख लो यहाँ तक, चार चार, सही, कोई दिक्कत नहीं सर। देख लो ये आंसर को सोल्व कर लो, इसको जो भी सोल्व करने से आंसर आ जाए वही आंसर हो जाएगा। सही है, सोल्व कर लीजिए, ये 5C4 5 आ जाएगा, 5 प्लस 5, और 5C3 10 हो जाएगा, 10 2 20 हो जाएगा, और प्लस 5C2 कितना होता है, 10, और 3C2 3 होता है ना, तो 10 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 30, प्लस देखो कैलकुलेशन चेक कर लियो, बाकी सब चीज़ सही है, ये 5 इंटू 4 20। देख लो, कैलकुलेशन चेक कर लो भैया, कैलकुलेशन चेक करना आपका काम है, हो सकता है कि गलती हो सकता है, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं कि मास्टर को नहीं आता, ठीक है, वो देख ले आप, 5 5 10 20 30 और 30 60, एंड टोटल 80 आ जाएगा। देख लीजिए भैया, देख लो, देखो जल्दी, देखो कोई दिक्कत नहीं है सर, लिख लो भैया।